वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MCM 401 की सॉल्व पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहला है कि हाउ डज PR कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज़, PR कैसे कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज से, और उसके बाद ये वाई बजटिंग इज इंपॉर्टेंट इन PR, बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है PR के अंदर। उसके बाद ये एक्सप्लेन करें टर्म पब्लिक इंटरनल पब्लिक की। उसके बाद ये राइट थ्री फोल्ड इफेक्ट लिखें मार्केट एजुकेशन के एडवर्टाइजिंग के अंदर। उसके बाद ये एक्सप्लेन करें डिफरेंट मीडिया जो है PR के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा। तो अब आपके सामने MCQs हैं। पहले कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज डैश इन नेचर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डैश है नेचर के अंदर, वो जो है फिजिकल है नेचर के अंदर। उसके बाद ये कि जो एब्रीविएशन है WWW, ये रिलेवेंट करती है इनमें से कौन से मीडियम के साथ, वो है इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर फ्रेज, एक पॉपुलर फ्रेज के मुताबिक स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, डैश स्पीक लाउडर, एक्शन स्पीक लाउडर, इनके एक्शन का जो जाहिर बात है एक असर है वो ज़्यादा होता है वर्ड्स के मुकाबले में। उसके बाद ये कॉर्पोरेट इमेज इज डैश इन नेचर, कॉर्पोरेट इमेज जो वो डैश है मेंटल होती है नेचर के अंदर। उसके बाद ये जो कंपोनेंट है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के, उसमें शामिल है क्या, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसके अंदर लोगो है, कलर है, स्पेशल इंटर टाइप फेस है। उसके बाद ये जो साइज़ होता है PR डिपार्टमेंट का डिपेंड करता है वो किसके ऊपर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन के ऊपर, जिसके अंदर साइज आ गया ऑर्गेनाइजेशन का, वैल्यू प्लेस्ड ऑन PR आ गया, इसके अलावा स्पेशल PR रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन के फादर के तौर पर कौन जाना जाता है, वो है एडवर्ड बर्निस। और उसके बाद ये क्या अट्रैक्ट करने के लिए और अचीव करने के लिए गुडविल जो है कंसर्न पब्लिक की, वो हॉलमार्क होता है इफेक्टिव किसका, PR पॉलिसी का। और उसके बाद ये जो फर्स्ट मेजर रेवोल्यूशन है PR के अंदर वो इनमें से क्या है, वो न्यूज़पेपर है। और उसके बाद ये तमाम एग्जाम्पल जो है मिसलिनियस मीडिया की उसमें शामिल है, सिवाय एक को छोड़ के वो हाउस जर्नल्स हैं, बाकी जो है वो एग्जीबिशन है, एयर बलून शिप है, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड्स भी हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एक इंग्रेडिएंट नहीं है अच्छी प्रेस रिलीज का, वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। और उसके बाद ये टर्म इंटरनल पब्लिक का मतलब क्या है, वो एम्प्लॉइज आ जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये कि एलिमेंट्स के अंदर PR बजट के ऑफिस ओवरहेड में शामिल है बिल्डिंग रेंट। उसके बाद ये जो लास्ट स्टेप होता है फोर्थ स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में, वो होता है इवेल्युएट करना प्रोग्राम को, इसको एग्जामिनेशन करना। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है यूजिंग वेबसाइट टू कीप इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ये बिलोंग करता है ई न्यूज़पेपर के साथ। उसके बाद ये डैश जो इनमें उसमें शामिल होता है कि इंसाइट करना राइट को, या फिर कुछ दूसरी फॉर्म जो है वायलेंस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो होता है क्रिमिनल लाइबल। और उसके बाद ये कि प्रिंट मीडिया में शामिल है क्या, मैगजीन्स, मैगजीन जाहिर बात है प्रिंट होती है। उसके बाद ये कि रूरल एल्टन के मुताबिक ट्रेड एसोसिएशन जो है वो कोर्स नहीं करती, ज़बरदस्ती नहीं करती, ये क्या करती, पर्सुएट करती है, ज़बरदस्ती करने के बजाय पर्सुएट करती है। उसके बाद ये कि जो हॉलमार्क होता है अच्छी PR पॉलिसी का, वो होता है अट्रैक्ट करना और अचीव करना गुडविल किसकी, कंसर्न पब्लिक की, जो भी कंसर्न पब्लिक है उसकी। उसके बाद ये कि जो पर्सनल लेटर है, डायरेक्ट करेस्पॉन्डेंस है और मेलिंग इन्फॉर्मेशन है, तमाम एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेल्स की। और उसके बाद ये कि हाउ डज PR कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज़, किस तरह PR कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। सो नोइंग जानना डिफरेंस जो है, अच्छा ये अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है। सो डिफरेंस जानना मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के दरमियान और जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन का होना डाउनवर्ड और अपवर्ड, इवन के साइड वे इंटरनल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड और अपवर्ड की अगर हम बात करें, डाउनवर्ड में क्या होता है कि नीचे कम्युनिकेशन जाती है ऊपर के लेवल के लोगों से नीचे के लेवल के लोगों तक, और अपवर्ड इसका उलट होता है और साइडवेज भी होती है। उसके अलावा ये कि डू यू हैव एनी वन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, क्या कोई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन एज इट इज़ अ चैलेंज। सो उसके बाद ये कि वाई बजटिंग इज इम्पॉर्टेंट इन PR, बजटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है PR के अंदर। सो सीखने के लिए ये चीज़ जानने के लिए कि क्या कॉस्ट होगी कि कैरी आउट किया जाएगा PR प्रोग्राम, और ये जानने के लिए कि किस तरह के प्रोग्राम जो है वो किए जा सकते हैं, जो सम ऑफ मनी है उसके मुताबिक। और बजटिंग हेल्प करता है कंट्रोल करने में प्रोग्राम कॉस्ट, और बजटिंग प्रोवाइड करता है एक डिसिप्लिन जो है एक्सपेंडिचर के लिए भी और ओवर एक्सपेंडिचर के लिए भी। इसके अलावा ये कि जो कंप्लीशन के बाद कैंपेन की रिजल्ट्स को मेजर किया जा सकता है बजट के मुकाबले में। उसके बाद ये एक्सप्लेन करें इंटरनल पब्लिक्स को, सो जो कि वो जो कि वर्क करते हैं और उनका रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट और उनके फैमिली मेम्बर जो अंदर के लोग होते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद ये कि थ्री फोल्ड इफेक्ट लिखें मार्केट एजुकेशन के एडवर्टाइजिंग के अंदर, सो ये हेल्प करेगा एडवर्टाइजिंग को बनाने में ज़्यादा क्विकली एक्सेप्टेबल भी होना, प्रोडक्टिव होना रिस्पॉन्स में, और
कुटमैक ये बनाएगा लेस वेटी एडवर्टाइजिंग पॉसिबल, और जब कभी भी एडवर्टाइजिंग होगी ये मुमकिन तौर पर जो है वो इकोनॉमिकल होगी। और उसके बारे में एक्सप्लेन करें डिफरेंट मीडिया जो पी आर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा। सो उसमें अदर मीडियाज़ की हम बात करें, एग्जीबिशन आ जाती हैं जो एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, स्पेशल पी आर एग्जीबिशन आई थी, इसके अलावा ट्रेड और पब्लिक शोज़ आते हैं, ट्रेड फेयर्स होते हैं लोकल और ओवरसीज होते हैं, एयरशिप्स होती है, गेस्ट फील्ड एयर बलून्स शिप होते हैं प्रोमोशनल पर्पजेज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स होते हैं जो कि डिजिटल हम कह सकते हैं बिलबोर्ड, और नया कॉन्सेप्ट है ये, और जो कन्वेंशनल बिलबोर्ड्स हैं उसकी जगह कई जगहों पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स भी जो है वो लगाए जा रहे हैं। हमारे कंट्रीज़ में ज़ाहिर बात है कंट्री में इसलिए भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है, अदरवाइज़ तो का दुनिया भर में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और मोबाइल व्हीकल भी है ज़ाहिर बात है, न्यू टाइप ऑफ स्क्रोलिंग कंप्यूटर एडेड एडवर्टाइजिंग, सो इस तरह से भी एडवर्टाइजिंग जो है वो की जाती है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।